स्लैब रेट पे। चलो स्लैब रेट अपना असेसमेंट ईयर कौन सा है? 1890 कहां से कहां तक एक कोई इंडिविजुअल जैसे वो है कितनी है 60 बिलो 60 ऐसा पकड़ो ही मत बेसिक एग्जम्पशन है ये अजूम करो कि जीरो से लेकर 2.5 लाख तक जीरो तक का टैक्स लगने वाला है ऐसा मत बोलो बेसिक एग्जम्पशन कंफ्यूज नहीं होगा अपन बात त्याला बेसिक एक्झम्पशन म्हणायचं ना 0% टॅक्स वसूल करायचा म्हणजे किती वसूल करायचा बरोबर आहे ढाई लाख मतलब 2,51,000 2,50,000 एक रुपया ते 5 लाख किती लागत 5% इथे अमाऊंट किती आहे इफेक्टिव्हली 2,50,000 इथे अमाउंट किती येईल याची 5 लाख पूर्ण अमाऊंट स्लॅब मध्ये किती आणि टॅक्स किती मतलब आपण अगर 10 लाख तक के पोहोचते हैं तो टॅक्स कितना बनता 1,12,000 बरोबर 10 लाखाच्या वरती जर अमाऊंट गेली तर किती 10 लाख तुम्ही आपले 10 लाख प्लस कर लेतो 30% आता जी अमाउंट येईल ती बरोबर का 30x कर देते जी काही इन्कम 10 लाखाच्या वरती असेल 2 करोड जर इन्कम झाली वजा 10 लाख करायचे आणि गुणिले 30% करायचे हेच केलं का अब इसमें एक ट्विस्ट देखा था हमने कल क्या सरचार्ज क्या रहता सरचार्ज टैक्स पे टैक्स कब आता कब आता आपका 50 लाखापर्यंत फक्त टैक्स भरा नॉर्मल जो इनकम पे कैलकुलेट किया हुआ है टैक्स है वो भरेंगे ये हुआ कहानी 50 लाख तक पहुंचने का मतलब देखो पहला एक टप्पा दूसरा टप्पा तीसरा टप्पा आणि चौथा टप्पा सुरू झाला चौथ्या टप्प्यात 2 ब्रेक घ्यायचा 50 लाखाच्या तिथे जेव्हा आपण 50 लाखावर पोहोचतो सरचार्ज किती आहे 10% जर हे 50 लाख 1 रुपया झाला तर सरचार्ज कशावर लागतो 10% 15% मान लीजिए ये इतना इनकम है ये इनकम है अपने को केक बनाने का मैद्याचा आटा है केक बनवायचा यात ना आपण एवढा पोर्शन कट करून घेतला टॅक्स म्हणून गेला ही पूर्ण इन्कम होती आपली एवढी इन्कम झाली त्याच्यानंतर आपण टॅक्स जो कॅल्क्युलेट केला ह्याच पैशात ना भरणार ना टॅक्स भरला टॅक्स अब मान लो ये इन्कम था 50 लाख के ऊपर लेकिन 1 करोड के अंदर
तो क्या बोला, केक को और थोड़ा बड़ा बनाने का, आपके पास मैदा पड़े वाला है, आटा पड़े वाला है, तो इस केक को और बड़ा बनाने का, तो ये 10% ऑफ, ये जो अगला लेयर बनाने का केक पे 10% ऑफ ये टैक्स अमाउंट बना है। नंतर त्याच्यात मिक्स होऊन जाईल, म्हणजे त्याचा पार्ट बनून जाईल। पहिला रिबेट वाला कन्सेप्ट समजा, 87A इथं कुठेतरी ड्रॉप करत तो बरोबर, 87A का रिबेट क्यों दिया था कि आप, ठीक है हम कंसिडर करते हैं आपका खर्चा पानी ज्यादा होगा, ऐसा कुछ एक अजम्पशन किया हमने और बोला सर आपका अगर 3.5 लाख का इनकम है, अल्दो बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख तक है, हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और 2,500 तक का टैक्स माफ कर देंगे। यही देखा हमने, जर इथे टैक्स लायबिलिटी 2,500 पर्यंत जर असेल तर पूर्णच्या पूर्ण माफ होईल, आणि त्याच्या वरती गेली तर मॅक्सिमम 2,500 त्यांच्यासाठी आहे। इथे मॅक्सिमम किती तुम्हाला हे मिळेल, मॅक्सिमम रिबेट बोलले का, डिस्काउंट दे रहे आप, दे दिया। अब जैसा हमने इनको माफी दिया वैसे बड़े बड़े लोगों से ज्यादा की वसूली करेंगे ना, समझे क्या? 50 लाख तक सबको रेगुलर चलने दिया, लेकिन 50 लाख के बाद आपका इनकम ज्यादा अच्छा है, टैक्स की अमाउंट पे टैक्स लगाया, इनकम पे नहीं लगाया, जो 10% हमने कलेक्ट करना है ये टैक्स की अमाउंट पे कलेक्ट करना है। वो इनकम अगर 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक अगर है तो कितना परसेंट, 10%, और 1 करोड़ के ऊपर अगर गई तो 15%, बराबर। अब कल अक्षय ने जो सवाल पूछा, सर जैसे ये स्लैब रेट गिरा के दिए तो क्या 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का जो इनकम है उस पर 10% सरचार्ज देने का, और बाद में 1 करोड़ से आगे वाली इनकम पे 15% का सरचार्ज देने का, ऐसा करने का क्या? नहीं करने का, क्योंकि हम टैक्स पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, हम पहले ये देखने वाले हैं क्या कितनी गई इनकम, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, झाड़ धाड़ कैलसी लेने का 3 करोड़ का इनकम बोला, 10 लाख माइनस करने की 2,90,000 मल्टीप्लाइड 30% प्लस 1,12,000 पास, यही करने वाले, तो टैक्स तो कैलकुलेट करके रख लिया, सिर्फ देखना इतना है इनकम 1 करोड़ के नीचे है कि 1 करोड़ के ऊपर है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का और सरचार्ज लगाने का, पढ़ लो 1 करोड़ चौवर्ती के लिए 15% फ्लैट इस पे, ये इस पे लगाने, ये परसेंटेज इस पे कैलकुलेट करना है, हो गया यहां तक ये, और इसके आगे कुछ करना है? हाँ क्या मार्जिन रिलीज वो बाद में, लेकिन मान लो मार्जिनल रिलीज छोड़ दो दिमाग में, मतलब पहले जो था 2%, 1%, 1%, ये सेकेंडरी एजुकेशन, ये हायर सेकेंडरी, और ये हेल्थ, कल बताए